खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 9 में। मैं अक्षय तिवारी आपका तहे दिल से एक बार स्वागत करता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर नगर महू जिला इंदौर सिमरोल रोड स्थित साई मंदिर प्रबंधक द्वारा 3 दिवसीय साई बाबा महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी तरह साई बाबा महोत्सव के तीसरे दिन गुरुवार शाम को प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी साई बाबा की पालकी यात्रा निकाली गई, जो शाम 7:05 पर प्रारंभ हुई, जबकि प्रतिवर्ष साई बाबा की आरती शाम 7 बजे प्रारंभ होती थी। इस बार प्रशासन की सख्ती के कारण साई महोत्सव द्वारा 7:05 पर पालकी यात्रा प्रारंभ हुई, जो गुरुवार देर शाम साई बाबा पालकी में विराजित होकर नगर भ्रमण पर निकले। साई बाबा पालकी में सवार होकर शाही ठाट बाट के साथ चल समारोह में सबसे आगे घोड़े बैंड बाजे तासे और श्रद्धालु नाचते गाते हुए बाबा के जयकारे लगाते हुए नगर भ्रमण किया। यात्रा का जगह जगह फूलों से स्वागत कर साई बाबा का पूजन किया गया। साई मंदिर से प्रारंभ होकर हाट मैदान में पुनीत शर्मा के नेतृत्व में यात्रा का भव्य स्वागत किया गया एवं स्टेशन रोड पर संस्था इंडियन ग्रुप के संयोजक विजेंद्र सिंह चौहान के मार्गदर्शन में उनके साथियों द्वारा भगवान बाबा साईनाथ की पालकी यात्रा मंच से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया, जिसमें मुख्य रूप से रोहित परमार, आकाश जाट, मेहरबान सिंह, मनोज परमार, देवेंद्र यादव, संजय चौहान, अजय सिंह, धन्यवाद गौरव शर्मा, अमित अग्रवाल, रुपेश यादव, विनोद मीणा, विक्रम सिसोदिया आदि द्वारा स्वागत किया, जो रेलवे स्टेशन रोड, बस स्टैंड, श्याम विलास चौराहा, गोकुलगंज, धान मंडी चौक, फूल चौक, सराफा बाजार, मानक चौक, मेन स्ट्रीट, सांगी स्ट्रीट, हरी फाटक, मोती चौक, फूल चौक, एमजी रोड, जामा मस्जिद मार्ग, भाई मोहल्ला, लुनियानापुरा होते हुए सिमरोल रोड साई मंदिर पर समाप्त हुए। पुलिस प्रशासन द्वारा पिछले वर्ष साई पालकी पर पत्थरबाजी को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, जिसका मार्गदर्शन SSP धर्मराज मीणा व SDOP विनोद कुमार शर्मा द्वारा किया जा रहा था एवं थाना प्रभारी योगेश सिंह तोमर के नेतृत्व में पूरी टीम द्वारा कड़ी सुरक्षा के बीच यात्रा निकाली गयी। महू से संजय वर्मा की रिपोर्ट। तो ये थी आज की खबरें, बने रहिए हमारे साथ खबर 9।